हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ नार्जो 50 प्रो 5G के साथ रियलमी 9 प्रो प्लस का। देखेंगे दोनों फोन के अंदर आपको कौन सा बेहतर देखने के लिए मिलता है और अगर आपको खरीदना है तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक बने रहेगा और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले बिल्ट इन डिजाइन से। तो नार्जो 50 प्रो का जो डिजाइन है वो आपको प्लास्टिक बिल्ट पर देखने के लिए मिलता है, प्लास्टिक के बैक और प्लास्टिक के फ्रेम के साथ। रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है प्लास्टिक के फ्रेम के साथ। वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं, नार्जो 50 प्रो पर वेट देखने के लिए मिलता है 181 ग्राम का, थिकनेस देखने के लिए मिलता है 7.9 mm का। रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 182 ग्राम का वेट देखने के लिए मिलता है, थिकनेस देखने के लिए मिलता है 7.9 mm का। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो यहाँ पर वेट एंड थिकनेस के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है। हल्का फुल्का सा डिफरेंस है लेकिन दोनों फोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों फोन पर आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 98 रिफ्रेश रेट के साथ। और दोनों फोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 कार्ड प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि नार्जो 50 प्रो 5G पर आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है और रियलमी 9 प्रो प्लस पर आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस में हल्की फुल्की सी डिफरेंस है लेकिन दोनों फोन का डिस्प्ले आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद कैमरे की बात करते हैं, तो नार्जो 50 प्रो 5G पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाता है F1.8 अपर्चर के साथ, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने के लिए मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K तक वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। और फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, इसकी मदद से आप वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर पाएंगे फुल एचडी की 30fps पर। और रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ, प्लस इसके अंदर आपको OIS देखने के लिए मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K तक वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, इसकी मदद से आप वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर पाएंगे फुल एचडी की 30fps पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरे के मामले में रियलमी 9 प्रो प्लस जो है वो आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद बैटरी की बात करते हैं, तो नार्जो 50 प्रो 5G पर आपको 5000 एमएएच की बैटरी देखने के लिए मिलती है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 4500 एमएएच की बैटरी देखने के लिए मिलता है 60 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो फास्ट चार्जिंग के मामले में रियलमी 9 प्रो प्लस आगे है लेकिन बड़े बैटरी के मामले में नार्जो 50 प्रो 5G आगे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल के मामले में दोनों ही फोन अपने ही अपने जगह पर बेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। UI की बात करते हैं, दोनों फोन पर आपको रियलमी UI देखने के लिए मिल जाएगा और दोनों फोन पर आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, दोनों फोन पर आपको सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, मीडियाटेक डायमोसिटी 920 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है प्रोसेसर। GPU की बात करते हैं, माली जी 68 MC4 का GPU आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों फोन के अंदर आपको LPDDR4X RAM EOS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाता है और इस प्रोसेसर की मदद से आपको एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिल जाता है 500,000 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। सेंसर की बात करते हैं, दोनों फोन के अंदर आपको सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कंपास। दोनों फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। मल्टीमीडिया की बात करते हैं, दोनों फोन पर आपको 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन है, डुअल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करते हैं, नार्जो 50 प्रो 5G का प्राइस देखने के लिए मिलता है 6GB प्लस 128GB 22,000 के अंदर और 8GB प्लस 128GB 24,000 के अंदर। और रियलमी 9 प्रो प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6GB प्लस 128GB 26,000 रुपए में देखने के लिए मिल जाता है, 8GB प्लस 128GB 26,700 में देखने के लिए मिल जाता है और 8GB प्लस 256GB आपको 29,000 रुपए में देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ग्लॉसी बैक मिलना चाहिए, आपको ग्लास बॉडी चाहिए, आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए, आपको अच्छा खासा कैमरा चाहिए, तो आप रियलमी 9 प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, OIS का सपोर्ट है और इसकी इमेज प्रोसेसिंग भी आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है और डिजाइन भी फोन का काफी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा चाहिए तो आप नार्जो 50 प्रो 5G की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ओवरऑल जो स्पेक विजन है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।